यूपी ट्रिपल एससी पीईटी और वीडियो भर्ती परीक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए वीडियो बनाया गया है, जिसमें मुख्य बिंदु हैं अब तक कुल कितने रजिस्ट्रेशन पीईटी के माध्यम से हो चुके हैं, फॉर्म में जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं उनमें आप जो है सुधार किस तरीके से करें, यदि आपने फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो आप जो हैं इस गलती का ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण बुक्स जो इसके लिए काफ़ी कॉमेंट्स थे कि बुक्स आप बता दीजिएगा तो वो भी आपको बताई जाएगी, एग्जाम डेट और 2018 का जो वीडियो एग्जाम्स हैं उसमें क्या प्रक्रिया आपकी जो है फिलहाल की कंडीशन में चल रही है, यूपी ट्रिपल एससी उसमें पीईटी लागू करेगा या आपका डायरेक्ट एग्जाम्स होगा। तो सबसे पहले आपका बिंदु लिया जाता है कि यहाँ पर अब तक कुल कितने आवेदन हो चुके हैं। आवेदनों की संख्या की बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन जो अभी तक फिलहाल की कंडीशन में हुए हैं 18 जून 2021 तक की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है कि 16,50,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं। संभावना यही है आयोग को कि रजिस्ट्रेशन की जो संख्या है वो 30 लाख के आसपास आपको देखने को मिलेगी और बड़ी भारी भरकम ये परीक्षा होगी। तो यहाँ पर यदि बात की जाए कि फीस के लिए अभी काफ़ी स्टूडेंट्स जमा कर रहे हैं, लगभग 11 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फीस जमा कर करके अपना कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर लिया है। नेक्स्ट, गलती से बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि महत्वपूर्ण बुक्स है आप लोगों के लिए, ये जो बुक्स है ये देखिएगा अग्रवाल एग्जाम कार्ड के लिए है, ये जो पब्लिकेशंस है एक बेहतरीन बुक्स पब्लिकेशंस है और इस बुक्स के अंदर आपके सभी तथ्य को शामिल करते हुए 5 यूनिट में आपको डिवाइड किया गया है, जिस तरीके से आपका यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का सिलेबस होता है, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और आपकी जो सामान्य अध्ययन का पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट है, उसको जो है प्रत्येक बिंदु को, चाहे आपका इतिहास हो, राष्ट्रीय आंदोलन हो, राजनीतिक शास्त्र हो या आपका सामान्य विज्ञान हो, सभी तथ्यों को शामिल किया गया है। पुस्तक की खासियत ये है कि इसमें जो है व्याख्यात्मक रूप से भी आपको शामिल किया गया है सभी तथ्यों को, उसके बाद MCQ टाइप के क्वेश्चंस भी आपको दिए गए हैं। पुस्तक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आपकी इच्छा हो तो इसको खरीद सकते हैं, बुक्स बेहतर है। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी इसमें देखने को मिलेंगे। बात करें इस फॉर्म में जो आप रिजेक्शन के लिए क्या स्टूडेंट्स जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो जो है इसके लिए लगातार गलतियाँ कर रहे हैं, तो मैं आपको जानकारी दे दूँ कि पीईटी का जो आपकी जो वैलिडिटी है ये आपकी देखेगा यहाँ पर आपकी जो रहेगी वो यहाँ पर आपकी 3 ईयर्स तक रहेगी। 3 वर्ष तक यदि कोई सर्टिफिकेट बनता है तो आप उसको समझ लीजिएगा कि वो साधारण सर्टिफिकेट नहीं होता है, हो सकता है भविष्य में इसके लिए जैसे आपका CTET वगैरह है उसकी वैलिडिटी जो है लाइफ टाइम कर दी गई है, इसकी भी कर दी जाए तो ये भी ऐसी संभावना हो सकती है, लेकिन फिलहाल की कंडीशन में 3 वर्ष के लिए है। ऐसे मान करके चलिएगा जैसे आपकी 10th या 12th की मार्कशीट है, तो उसमें यदि आपका नाम में गलती हो जाती है तो आपको कितनी परेशानी आपको झेलनी पड़ती है, फादर्स के नाम में हो जाती है या डेट ऑफ बर्थ में गलती हो जाती है। तो यहाँ आप फॉर्म भरते हुए ये गलतियाँ ना करें। सबसे ज़्यादा जो गलती हो रही है वो सिग्नेचर के माध्यम से हो रही है कि आपने अपना नाम भी लिख दिया है और सिग्नेचर भी कर दिया है। सिग्नेचर चाहे आप हिंदी में करो या इंग्लिश में करो, लेकिन ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स पर जिस प्रकार के सिग्नेचर किए जाते हैं केवल एक ही बार में वही सिग्नेचर करें, अपना नाम ना लिखें। यदि आप नाम के साथ सिग्नेचर करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही बार में करें। दूसरी कंडीशन है आपके फ़ोटो की। फ़ोटो काफ़ी स्टूडेंट्स का यहाँ पर कमेंट्स था कि आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो हैं भेजे हुए हो, यदि आप कैफे वगैरह से एग्जाम में इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो वो जो फ़ोटो है आपका एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि आप मोबाइल से अपना फ़ोटो खींच करके आप जो है उसको भेज सकते हैं, वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तो यहाँ फ़ोटो की प्रॉब्लम आपकी समाप्त हो जाती है। मेन प्रॉब्लम यही है कि आप नाम में अपने या फादर्स के नाम में या आपकी मदर्स के नाम में गलती ना करें। दूसरी कंडीशन ये है डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सटीक रूप से लिखें। तीसरी कंडीशन ये है कि आपके जो सर्टिफिकेट हैं वो सही प्रारूप में होने चाहिए। सर्टिफिकेट से मतलब ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं उनके पास EWS का प्रमाण पत्र है नहीं है और इसमें जो है EWS वो टिक मार्क्स कर रहे हैं, या जिनके पास OBC का सर्टिफिकेट नहीं है कि बनवा लेंगे लेकिन वो जो है OBC से फॉर्म भर रहे हैं, तो भविष्य में आपके लिए दिक्कत हो सकती है।
दिक्कत इसलिए हो सकती है, मान करके चलिएगा कि कोई भर्ती आती है, लेखपाल की भर्ती की संभावना है कि 12,000 पद आपको आपको सितंबर माह में देखने को मिल जाएगा विज्ञापन। तो लेखपाल की यदि भर्ती आती है और आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ किसी कारण से हो जाता है, तो जब आपका पीईटी का ये सर्टिफिकेट होगा, यानी कि जब आपका वेरिफिकेशन होगा, इसमें क्या है, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे जिसमें पीईटी का सर्टिफिकेट भी आपका देखा जाएगा। यदि इसमें आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे 10th या 12th के हैं, उसमें आपका नाम कुछ और है, या फादर्स का नाम कुछ और है, या मदर्स का कुछ और है, और पीईटी में आपका जो है स्पेलिंग मिस्टेक है, या वो है कोई किसी प्रकार का जो है नाम में सिंह या कुमार इस तरीके से लग जाता है टाइटल नेम में, तो वहाँ से आपका जो है बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा, आपको जो है भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके लिए खासियत रहेगी। तो ये सर्टिफिकेट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, गलती यहाँ नहीं होनी चाहिए। आप 2 से 3 बार एक बार चेक कर लीजिएगा जब आप इसको फॉर्म को भर लेते हो, तो फाइनल सबमिट से पहले आप जो है इसको 2 से 3 बार अच्छे तरीके से चेक कर लें, एक एक नाम की स्पेलिंग अच्छे तरीके से चेक कर लें, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लें, आधार कार्ड का नंबर सही होना चाहिए, आप इसको अच्छे तरीके से चेक कर लें। बुक्स आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट्स बॉक्स दोनों तरीके से लिंक से माध्यम से मंगा सकते हैं और 2 दिन के अंदर आपको डिलीवरी हो जाती है। एग्जाम डेट की बात की जाए तो एग्जाम डेट के लिए जो है अगस्त में बिल्कुल तैयारी कर ली गई है UP SSC के द्वारा। इसमें क्या है, अगस्त में आपका एग्जाम्स होगा। अब अगस्त में आपका जो एग्जाम्स है वो 15 से 30 अगस्त के बीच आपका यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि आप ये मान के चलिएगा 3rd या 4th वीक में अगस्त के आपका ये एग्जाम्स आपका होगा, और ये जो एग्जाम्स है आपका ऑफलाइन मोड में होगा। ऑफलाइन से आप समझ सकते हैं कि आपकी जो परीक्षा है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं होगी, क्योंकि बड़ी परीक्षा होगी, 30 से 40 लाख स्टूडेंट्स इसमें शामिल होंगे, और इसमें जो ये जो परीक्षा है आपकी कई पालियों में होगी, और हो सकता है आपकी 2 से 4 दिन के अंदर आपकी हो, तो इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी आपकी लागू रहेगी। अब काफ़ी स्टूडेंट्स का ये कहना था कि ये जो आपकी 2018 की वीडियो की जो भर्ती हुई थी जिसमें लगभग 22 लाख स्टूडेंट्स थे, वो भर्ती जो है यहाँ पर रद्द कर दिया गया था, उसका एग्जाम्स की जो आपकी वेरिफिकेशन वगैरह हो चुके थे, उसमें सिलेक्शंस भी हो चुके थे, उसको रद्द कर दिया गया था आयोग के द्वारा, क्योंकि उसमें धांधली की शिकायत पाई गई। 2018 में जब ये एग्जाम्स हुआ तभी से हमारा प्रयास था कि इस भर्ती में बड़ी तौर पर धांधलीबाजी हुई है, और आखिरकार उसका रिजल्ट मिला, परिणाम मिला, और भर्ती आपकी रद्द हो गई। अब ये एग्जाम्स भी UP SSC कराने की तैयारी में है, इसके लिए आपको जो है अभी कोर्ट में आपकी 22 जून की डेट है, उसके बाद डिसाइड होगा कि, क्योंकि जो सिलेक्टिव स्टूडेंट थे वो कोर्ट जा चुके थे कि ये भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, तो उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। तो UP SSC जो है PET एग्जाम से पहले इस वीडियो का एग्जाम्स करा सकता है, क्योंकि ये पुराने पैटर्न से ही होगा, जो आपका पुराना सिलेबस था, क्योंकि ये भर्ती आपकी पुरानी है, तो इसमें PET का कोई आपको रोल देखने को नहीं मिलेगा, तो ये भर्ती अलग प्रारूप में होगी जिस तरीके से पहले थी। आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से आपको सफल जानकारी मिली होगी, कोई दुविधा है तो कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।